हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपनी बात चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेकर, रेडियस रेशियो को लेकर। अब अपन रेडियस रेशियो निकालेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर का, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इनका। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रेडियस रेशियो से, कि अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए रेडियस रेशियो निकालिए, चतुष्फलकीय के लिए रेडियस रेशियो निकालिए। रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए त्रिज्या अनुपात। ठीक है, अब किस तरह से देखो निकालते हैं अपन। एक क्यूब कंसिडर करते हैं अपन, है ना, एक क्यूब यहां पर कंसिडर करते हैं। ये क्यूब है, ये क्यूब लिया आपने। अब देखो इसमें और क्या चीज देखे अपन। इस क्यूब में मान लो अपने पास में क्रिस्टल लेटिस हैं या लेटिस पॉइंट हैं, उन पर आयन है। उन पर क्या है? आयन। कौन कौन से आयन है उसको देखने के लिए मैं कहता हूं यहां पर ये नेगेटिव आयन है, ये यहां पर आयन है, ठीक है। एक कोई सा भी आप लोग एक आयन को, कोऑर्डिनेशन नंबर चार का मतलब ये हो गया कि एक आयन को चार विपरीत आयनों ने घेर रखा है, एक आयन को चार विपरीत आवेशित आयनों ने घेर रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, कहिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को चार नेगेटिव चार्ज ने चतुष्फलकीय रूप से घेर रखा है। किस फॉर्म में? चतुष्फलकीय रूप से घेर रखा है। अब उसको मैं यहां कैसे दिखाऊं? मैं मान लो इसको ये बताता हूं कि यहां मेरे पास में वो पॉजिटिव चार्ज है, इस क्यूब के अंदर क्या है, मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या कर रखा है, जिसको चार नेगेटिव आयनों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। देखो चार का मतलब मान लो ये सिचुएशन है अपने पास, ये इनको बता सकता हूं मैं, ठीक है। यहां मेरे पास में ये दो नेगेटिव चार्ज हैं और ये दो नेगेटिव चार्ज, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो। अब इस ये नेगेटिव चार्ज इतने बड़े हैं कि ये इसको घेर रखे, इसको इसने यहां इस तरह से आ रखे, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज देखो, मान लो इस नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे बनाऊं, देखो कि इस नेगेटिव चार्ज ऐसे नेगेटिव चार्ज है, है ना, यहां पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बड़े बड़े हैं, आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है, चतुष्फल के रूप में ये गिरे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं, इनका नामकरण करता हूं। देखो किस तरह से नामकरण कर सकता हूं या बता सकता हूं इनको। सबसे पहले मेरे पास में है, मेरे पास में ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये बी है, ये मेरे पास में सी पॉइंट है, और ये मेरे पास में डी पॉइंट है। ए बी सी डी चार हो गए। अब मैं क्या करूंगा, और बाकी बचे हुए उनको भी मैं नंबरिंग दे सकता हूं, बी जैसे सी दे दिया, जैसे ई दे दिया, एफ दे दिया, जो भी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मान लो मैंने ओ पॉइंट कहा है, इससे मैं एक लॉन्गिट्यूड, एक लंब डालूंगा यहां पर, इस पर, और इसको मैं किससे मिलाऊंगा, इसको मैं डी से मिलाऊंगा, इसे किससे मिलाऊंगा, डी से, ठीक है। अब इनको अपन नामकरण दे सकते हैं क्या, कि मान लो ये मेरे पास में ओ पॉइंट है यहां पर, और इसको मैंने यहां पी दे दिया, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गया ना। देखो एक ट्राइंगल तो ये बन गया, बन रहा है ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को लेकर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले फॉलो करेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं,
इसको समझाता जाऊंगा मैं सबसे पहले कह रहा हूं इन ट्राइंगल त्रिभुज ओपीडी में, ओपीडी में कौन सा है, ये ओ, ये पूरा ओ है, यहां पर ओ पॉइंट है, ओ पी और डी इसकी बात कर रहा हूं। इस ओपीडी में पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों की खूब पढ़ी होगी, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये चीजें पढ़ी होगी आपने। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं कि ओपी, आप लोगों के पास में ओडी का जो स्क्वायर है, ये वो किसके सम के इक्वल होता है, वो होता है ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्या कहेंगे कि ओडी का स्क्वायर ओपी के स्क्वायर और डीपी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात जो अपने को जाननी है, आराम से करना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये निश्चित आता है, ये पता है, कन्फर्म है, ये आता है एग्जाम में, तो ढंग से समझना। OD, ये मेरे पास में OD है, देखो ये क्या है, ये कौन सा आवेश है मेरे पास में यहाँ पर, ये धनावेश है, तो इसकी ये त्रिज्या कौन सी हो गई, R प्लस, धनावेश की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, R प्लस, और ये वाला जो है ये पूरा नेगेटिव है, ये भी पूरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो अपन देख रहे हैं लंब, इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो OD किसके बराबर होगा कि उसमें केटाइन की रेडियाई भी आ रही है और एनाइन की रेडियाई भी आ रही है, आर प्लस और आर माइनस हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर इसकी ओडी की जगह ये रखते हैं क्या, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, इसको एक बार अपन पुनः ऐसा का ऐसा रखते हैं और इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे, अपन ये जानते हैं कि त्रिभुज की जो संभव त्रिभुज, समद्विभाव त्रिभुज है, उसकी भुजाएं बराबर होंगी, तो अपन क्या जाएंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सी एफ बराबर होगी डी एफ के और वो बराबर होगी सी ई के। देखो इसको, इसको ले लो F, इसको F ले लो, इसको F मान लो ना, ये CF लिया है अपने, और ये इसको ले लो, इनको चेंज कर लो थोड़ा सा, इसको E और इसको G ले लो, इसको G ले लो और इसको E ले लो, बस ये हो गया। तो देखो CF, CF कौन सा है, ये है, ये जो भुजा है CF, क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं बराबर है, तो CF है वो किसके बराबर होगी, CF ये है ना, हाँ। अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल ये ले, ये ट्रायंगल देखो यहां से चल रहा है, यहां से ये दिख रहा है मेरे को, कौन सा DFC दिख रहा है क्या, DFC जिसमें CF DF और दूसरा CE, देखो CF DF CE ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनके लिए मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक बार त्रिभुज सी डी ई में, अब ये सी डी ई कौन सा है, त्रिभुज सी डी ई, सी डी और ई इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, इसके लिए मैं लागू करूंगा, देखो क्या सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय लागू किया अपन ने,
सी डी ई में अपने कहा है सी डी का स्क्वायर, ये सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी ई और डी ई के स्क्वायर के बराबर होता है, ये लिखा अपने। अब देखो क्या कहेंगे अपन, यहां से सी डी का मैं स्क्वायर हटाता हूं तो सी डी आ जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, सी डी इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। यहां पर अपन क्या कहेंगे, सी डी ये सी डी है ना, और पी डी की बात करूंगा मैं यहां पर, देखो ये सी डी है ना, सी डी क्या है दुगुना है किसे, पी डी से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सी डी क्या है दुगुना है किसे, पी डी से, मतलब सी डी है वो पी डी से दुगुना है, तो सी डी बराबर हाफ ओ पी डी कह सकता हूं क्या, कि सी डी का पी डी क्या है आधा, सी डी का पी डी क्या है आधा, तो इसको मैं यहां पर इस तरह से बना सकता हूं कि सी डी बराबर, सी डी बराबर कब होगा इसको तेरा सोचना एक बार, सी डी है वो बराबर कब होगा, यहां थोड़ा सा देख लो आप, ये सी डी है ना, सी डी डी पी के बराबर कब होगा, जब डी पी को दुगुना करें अपन, सी डी डी पी के बराबर कब होगा, जब अपन डी पी को क्या करें दुगुना करें, तो मैं सी डी के लिए लिख सकता हूं सी डी बराबर टू पी डी, सी डी बराबर टू पी डी, और अपन जानते हैं डी ई बराबर सी ई होता है, डी ई बराबर सी ई, एक सेकेंड, अपने डी ई बराबर सी ई लिखा है ना यहाँ पर, सी एफ डी ई और सी ई, ये एफ नहीं है ई है भाई, डी ई, तो सी डी बराबर क्या दे रखा, डी ई बराबर क्या होता है सी एफ, यहां से पता चल रहा है अपने को एफ नहीं है, डी ई बराबर सी ई है। एक बार मैं पुनः समझा दूंगा, आप एक लाइन समझ लो, बाकी दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो इस सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो सी डी है इस सी डी की जगह टू पी डी लिख सकते हैं क्या, टू पी डी लिखा अपने सी डी की जगह, किसकी जगह लिखा, सी डी और टू पी डी बराबर है, और ये सी ई डी स्क्वायर है, ठीक है, और अपने को इस चीज की भी जानकारी है कि डी ई किसके बराबर हो रहा है, सी ई के स्क्वायर, सी ई के बराबर हो रहा है, तो मैं यहां पर डी ई की जगह भी क्या रख सकता हूँ, सी ई, यानी इसको ऐसे बता सकता हूँ सी ई का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर, क्योंकि इस डी ई की जगह मैंने क्या रख दिया सी ई, क्योंकि ये बराबर है, ये क्या है बराबर, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा प्लस है, तो मैं कह सकता हूँ क्या टू पी डी बराबर सी ई, और सी ई क्या है टू सी ई का स्क्वायर, टू सी ई का स्क्वायर, टू पी डी इक्वल टू टू सी ई का स्क्वायर आ गया अपने पास। अब ये स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा टू पी डी बराबर सी का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो सी बाहर आ जाएगा और रूट क्या हो जाएगा टू, रूट अपने पास में क्या हो जाएगा टू। अब अपन एक रिलेशनशिप और देखते हैं क्या, कि सी ई बराबर सी एफ इज इक्वल टू टू ओ पी, देखो ये रहा क्या लिया अपने, अपने ये लिया है सीई बराबर, सीई बराबर सी एफ इज इक्वल टू टू ओ पी, ये रिलेशनशिप लिया अपने। अब देखते हैं डायग्रामेटिकली ये सही आता है क्या, सीई कौन सा अपना सीई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, सीई सी एफ के इक्वल है बराबर टू ओ पी, बिल्कुल सही है। ये देखो ये सी एफ है वो ये है, इसका मतलब ओपी क्या है इस सी एफ से आधा है, तो इसको दुगुना करेंगे ओपी को तभी तो ये सी एफ के बराबर होगा, ये सी एफ है और ये ओपी है,
तो इसका मतलब ये CF से आधा है, तो इसको बराबर करने के लिए मेरे को इसको दुगुना करने दुगुना करना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा है CE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 2OP, ये अपने पास में रिलेशनशिप आया है। तो मैं क्या कहूंगा, ये 2OP आ गया अपने पास में, तो मैं यहां इस सी की जगह 2OP लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2PD तो है ही, 2OP रूट ऑफ 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा, PD इज इक्वल टू रूट 2OP, PD इज इक्वल टू रूट 2OP मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। और OP यहां से मैं निकालना चाहूं क्या हो जाएगा, 1/√2 PD, 1/√2 PD, इसको मान लो मैं इक्वेशन 2 कह दूं। अब अपने पास में एक इक्वेशन आई थी ऊपर, अपन ने कहा एक इक्वेशन चाहिए अपने को, है ना, वो इक्वेशन कौन सी थी, DP या PD एक ही बात है, ये वाली, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, DP कह दो चाहे PD कह दो एक ही बात है। तो यहां पर देखो अपने पास में DP की टर्म आई कि क्या, जैसे OP इज इक्वल टू PD है, शुरुआत में देखो क्या आ रहा है, ये OP, इस OP की वैल्यू आ रही है अपने पास में, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, OP की जगह में क्या लिखूंगा, 1/√2 PD, क्या रख सकता हूं, 1/√2 PD। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी R++ R⁻² = OP² था मेरे पास, तो OP की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रखी है, 1/√2 PD² + DP². अब मैं लिख सकता हूँ R++ R⁻² = PD² हो गया, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसको मैं 1/2 PD² कह सकता हूं, यहां पर 1/√2 PD², ये मेरे पास में आ गया, प्लस DP कह दो चाहे PD कह दो एक ही बात है, PD का स्क्वायर भी कह सकते हो, DP का स्क्वायर भी कह सकते हो। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर मैं लिख सकता हूं R+R⁻² = हाँ PD² और PD², यानी ये तो आधा है और ये एक, एक और आधा मिलाकर क्या होता है, 3/2 होता है, डेढ़ होता है, तो 3/2 PD² कह सकता हूं मैं। आप DP लिख दो, PD लिख दो, यहां पर लिख दो, एक ही बात है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहां पर। तो 3/2 PD² हो गया अपने पास में। अब PD क्या है, देखो डायग्राम में देखो आप, PD कहाँ है, ये रहा PD, और ये डी, यहां से यहां तक PD है, यहां से यहां पर ये कौन सा गोला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला गोला है, इसका मतलब P और D क्या होगा, R- क्या होगा, R-। तो अपन किस तरह से बता सकते हैं इसको, R+R⁻² = यहां पर 3/2, 3/2 और यहां पर हो जाएगा R⁻² यही होगा। कॉपी करो इसको, इतने को कॉपी करो, पहले आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसका स्क्वायर हटाता हूं, तो R++ R⁻ इसका स्क्वायर हट गया, तो मेरे पास में टर्म क्या आ गई, मेरे पास में रूट आ गया, √3/2, और ये बन गया R-, √3/2 R⁻, और यहां से अगर मेरे पास में R+ निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ गया, √3/2 R⁻, और ये इधर माइनस, इधर वाला माइनस में चला गया R-, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि R+, अगर यहां से R- में कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास टर्म आ जाएगी √3/2 - 1, √3/2 - 1,
इस माइनस को मैं इधर ले आऊं तो आर प्लस अपॉन में आर माइनस हो गया, और इधर क्या बचा रह गया, इधर रूट थ्री टू माइनस वन, ठीक है ना, ये बचा रह गया अपने पास में। अब रूट थ्री बाई टू की वैल्यू होती है आर प्लस अपॉन में आर माइनस, रूट थ्री बाई टू की अपन वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 1.225 माइनस वन। तो ये आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.225, और ये आर प्लस और आर माइनस क्या होता है, रेडियस रेशियो, क्या होता है, रेडियस रेशियो। तो ये अपने पास में रेडियस रेशियो आ गया। अब अपने को पता है 0.225 किसका होता है, ओक्टा टेट्राहेड्रल का ही होता है। एक बार वापस से देख लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, इस वजह से मेरे को वापस समझाना पड़ेगा ये पूरा, थोड़ा लंबा डेरिवेशन चल गया। आपको पहले इमेजिन क्या करना पड़ेगा, पहले इमेजिन करना पड़ेगा आपके पास में एक क्यूब है, और क्यूब में सेंटर में मैंने क्या लिया, एक धनावेश लिया, सेंटर में मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की त्रिज्या मान लो आर माइनस है, और इस पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट को मैंने ओ कह दिया, ठीक है, और यहां पर ये है, ये नेगेटिव आयनों द्वारा घिरा रहता है, चार नेगेटिव आयनों द्वारा, दो को मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया, और इसको मैंने क्या कहा, डी से मिलाया है, और इधर मैंने किससे मिलाया, सी से, और बीच में मैंने एक लंब डाला है जिसको मैंने पी नाम दिया है। अब एक त्रिभुज हो गया अपने पास में, कौन सा, ओ ओ पी डी, तो यहां क्या हो गया, ओडी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओडी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पीडी कह लो चाहे डीपी कह लो, एक ही बात है, आप इसको पीडी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको क्या कह सकते हो आप, पीडी का स्क्वायर भी कह सकते हो। अब ओडी देखो, ये ओडी है, तो यहां पर इस ओडी में इतना भाग तो पॉजिटिव का आ रहा है, इतना नेगेटिव का आ रहा है, तो ओडी बराबर में आर प्लस आर माइनस कह दूं, ठीक है, आर प्लस आर माइनस कह दूं, तो मेरे पास में आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना, ये इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि सी एफ जो है, ये सी एफ है ना, सी एफ डी ई और सी ई, ये एक किसकी भुजा है, एक क्यूब की भुजा है, और क्यूब की, क्यूब सिमेट्रिक होता है तो इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, सी डी का स्क्वायर, ये सी डी है अपने पास में, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी डी है, ठीक है, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर, सी ई क्या है, ये सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर, तो सी ई कौन सा है, ये सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करना है अपने को, तो सी डी को मैंने हटाया तो स्क्वायर रूट आ गया, सी डी बराबर टू पी डी, यानी ये देखो ये सी डी है, इसका आधा कौन सा है, ये पी डी है, तो सी डी के बराबर मेरे को इसको करने के लिए, इसको सी डी इसको मेरे को डबल करना पड़ेगा, तो मैंने कहा सी डी कब बराबर होगा, जब पी डी डबल होगा। अब यहां से मेरे को डी ई और सी एफ भी बराबर है, डी ई और सी ई, ये डी ई और सी ई भी बराबर है, इस वजह से एक ट्राइंगल अपन ने लिया है। देखो सी डी की जगह मैंने टू पी डी रख दिया पहले तो, है ना, जो सी डी के बराबर है, ये टर्म ऐसी कैसी रख दी। अब यहां पर अपने को पता है डी ई और सी ई भी कहा बराबर है, तो डी ई की जगह मैंने सी रख दी, एक सी ई और एक सी ई, दो सी ई हो गए, है ना, यहां से टू पी डी मेरे पास में आ रहा है, सी ई को मैंने बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो सी ई हो गया, बीच में रूट टू आ गया, सी ई बराबर सी एफ बराबर टू ओ पी, देखो सी ई और सी एफ, सी ई और सी एफ बराबर है, और ये है ओपी। अब ये क्या है, इस सी एफ का आधा है ना, तो सी एफ के बराबर करने के लिए मेरे को इसको डबल करना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने कर दिया टू ओ पी, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, इस सी की जगह, क्योंकि अपन ने सी की जगह टू ओ पी कहा है, तो इस सी की जगह में टू ओ पी रख दिया, टू से टू कैंसिल हो गया, पी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ टू ओ पी। अब यहां से ओपी निकालूंगा तो ये उधर चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन में अपने पास में क्या आया, आर प्लस प्लस आर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर,
तो उस ओपी की जगह, ओपी के स्क्वायर की जगह या ओपी की जगह ये रख देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपने आगे सोल्व किया, वन बाई रूट टू, वन बाई टू हो गया ये तो, और पी डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, तो एक आधा पी डी स्क्वायर और एक पी डी स्क्वायर डेढ़, यानी थ्री बाई टू पी डी स्क्वायर हो गया। अब अपने क्या कहा है, पी डी है, पी डी देखो क्या है यहाँ पर, पी डी यहाँ से यहाँ है, पी डी यहाँ से यहाँ है, तो ये कौन से पार्ट में आ रहा है, नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, तो पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, आर माइनस हो जाएगी। तो ये आर माइनस लिखा अपने, इसका स्क्वायर हट गया तो इधर स्क्वायर रूट आ गया, आर माइनस को बाहर रखो, रूट इस पे आया है ना, क्योंकि इस पर रूट कर दिया तो ये स्क्वायर हट गया, तो इसको बाहर ले लो। अब देखो मैं आर माइनस को इधर लाया तो ये नेगेटिव हो गया, रूट थ्री बाई टू आर माइनस, आर माइनस आर माइनस को कॉमन ले लिया तो रूट थ्री बाई टू और इसकी जगह वन आ गया। इस आर माइनस को मैं उधर ले गया डिवाइड में, रूट थ्री बाई टू की वैल्यू होती है 1.225 से एक घट गया तो 0.225 आया, जो रेडियस रेशियो किसके आया, टेट्राहेड्रल के लिए, इसको कॉपी कर सकते हो। रेडियस रेशियो फोर, रेडियस रेशियो फोर ऑक्टाहेड्रल, रेडियस रेशियो फोर ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए त्रिज्या अनुपात, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए त्रिज्या अनुपात, के लिए त्रिज्या अनुपात, अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए त्रिज्या अनुपात। अब अष्टफलक का मतलब क्या होता है, छह। एक मान लो अपन क्या करते हैं, एक क्यूब का आगे का पोर्शन उठा के लेते हैं, एक क्यूब क्या आगे का पोर्शन, देखो एक क्यूब बनाता हूं मैं पहले, ये क्यूब है, इस क्यूब में यहां पर कोई ग्रुप है अपने पास इस जगह पर, ठीक है, यहां मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस क्यूब में देखो मैं आगे का ये स्क्वायर है ये उठा रहा हूं, और आगे का स्क्वायर यहां रख रहा हूं उठाकर, ये लो, ये रख दिया मैंने। अब जैसे मैंने स्क्वायर रखा यहां पर, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो अब ये पॉजिटिव चार्ज की स्थिति क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के एक नेगेटिव आगे है और एक नेगेटिव पीछे, और चार नेगेटिव इस तरह से लगे हुए, तो छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और छह कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर छह अष्टफलकीय होता है। इसके लिए त्रिज्या अनुपात अपन निकालेंगे, तो देखो इसके लिए त्रिज्या अनुपात अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी इसके लिए किस तरह से अपन त्रिज्या अनुपात निकाल सकते हैं, मैं इमेजिन करूंगा कि ये एक पॉजिटिव है वो चार नेगेटिव से कुछ इस तरह से गिरा हुआ है, चार नेगेटिव से किस तरह से गिरा हुआ है देखना मैं बताता हूं, ये लो ये है अपने पास में, और इसमें क्या कर रखा है, मैंने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर ये नेगेटिव आइन है, यहां पर क्या हुआ है नेगेटिव आइन। अब मैं क्या कहूंगा, जैसे मान लो इसको मैंने उसी तरह से O माना है,
इसके सेंटर को मैंने पी माना है, इसके सेंटर को मैंने ओ माना है, ठीक है, और मान लो इसके सेंटर को मैंने ए माना है। तो यहां पर मैं इनके सेंटर को आपस में मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा, और इसके सेंटर को मान लो मैंने क्यू माना है, क्या माना है, क्यू। इसको यहां तक मिला रहा हूं मैं, इस तरह से बना रहा हूं इनको, समझ में आ रही बात। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा मैं, ये जो मैंने लंब डाला है वो लंब ये है, तो इस पॉइंट को पी कह दो आप, यहां पर इस पॉइंट को पी कह दो, इस पॉइंट को आप क्यू कह दो, और इसको है ओ, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक लॉन्गिट्यूड डालूंगा ये ए ओ, तो एक ट्राइंगल बन गया क्या अपने पास में ये वाला, और एक ट्राइंगल अपने पास में ये वाला बन गया, दो ट्राइंगल अपने पास में बन गए। इसके लिए मैं क्या कहूंगा, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए, ट्राइंगल ए ओ और पी, इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। इसमें मैं वो क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी मेरे पास में, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी मेरे पास, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, प्लस ओपी का स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ये मेरे पास में पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, क्या कह दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब देखो क्या करेंगे, अपने को पता है ओ ए ये है, इसमें ये केटाइन की रेडियाई भी है और इस एनाइन की रेडियाई भी है, ये केटाइन है और ये एनाइन है, तो मैं क्या हो गया आर प्लस प्लस आर माइनस हो गया, है ना, इसको ऐसे भी लिख दो जरा, आर प्लस प्लस आर माइनस हो गया, यही हुआ है। एपी बराबर क्या हो गया, एपी, ये रहा एपी, ये किसके बराबर हो गया, ए क्यू, जो किसके बराबर है, ओपी के। तो यहां देखो एपी, एपी ये रहा आर माइनस है, ओक्यू, ओक्यू भी क्या है, आर माइनस है, और ये किसके बराबर है, ओपी के बराबर। तो देखो एपी आर माइनस है क्यू, पहले तो आप इसको देखो, ये बराबर है, एक स्क्वायर है, तो ओपी दो त्रिभुज है, समानांतर त्रिभुज की भुजाएं हैं, वो समान होंगी समानांतर त्रिभुज की, तो ये एपी है, एपी है अपने पास, ये ए क्यू है अपने पास, और ये ओपी है, ये इसके बराबर होगी, तो बराबर होगी तो एपी की वैल्यू क्या आ रही है, आर माइनस, ए क्यू की भी वैल्यू क्या आ रही है, आर माइनस, तो ओपी की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस ही होगी। तो यहां पर अपने पास में आर माइनस आ गया, क्या आ गया, आर माइनस। तो एपी और ओपी बराबर हो गए, तो एपी की जगह मैं ओपी रख सकता हूं क्या, तो ये भी आर माइनस और ये भी आर माइनस। तो देखो पहले तो अपन क्या कहेंगे, इसको मान लो दो कह दे, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ओ ए क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, मतलब एपी की जगह अपन ओपी रख सकते हैं, और ओपी की वैल्यू क्या है, आर माइनस, ओपी की वैल्यू क्या है, आर माइनस, ये है। अब मैं क्या कह दूं, आर माइनस और आर माइनस क्या हो गए, आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस और आर माइनस क्या हो गए, टू आर माइनस का स्क्वायर, आर माइनस और आर माइनस क्या हो गए, टू आर माइनस का स्क्वायर, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू रूट ऑफ टू आर माइनस, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू रूट ऑफ टू आर माइनस। यहां से मैं ये कहूंगा कि आर प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, रूट टू आर माइनस आर माइनस, आर प्लस बराबर क्या हो गया, रूट टू आर माइनस, ये उधर चला गया तो आर माइनस हो गया,
इसके लिए मैं क्या कह दूं, यहां से अगर मैं आर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में रूट टू माइनस वन हो जाएगा। अब ये आर माइनस इधर आ जाएगा और आप रूट टू की वैल्यू जानते हो कितना होता है, 1.414 होता है माइनस वन, तो आर प्लस अपॉन में आर माइनस कितना हो जाएगा 0.414, कितना हो जाएगा 0.14414। ये त्रिज्या अनुपात आ गया किसका, अष्टफलकीय का। आप लोग पीछे जो टेबल बना रखी है उसको जाके देखो, अपने पास में त्रिज्या अनुपात यही था, आर आर का त्रिज्या अनुपात कितना था 0.414, यही था। अब कॉपी कर सकते हो आप इसको। उसके बाद में अपन कुछ आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे मान लो NaCl, सीजियम क्लोराइड, CaF2 वगैरह की बात करेंगे। लेकिन इनसे पहले अपन पढ़ते हैं एक टॉपिक जो है क्रिस्टल डिफेक्ट, है ना, क्रिस्टल डिफेक्ट जिसको त्रुटियां बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, त्रुटियां। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आयनिक डिफेक्ट कह सकते हो, क्रिस्टल डिफेक्ट कह सकते हो, हेडिंग डालो आयनिक डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट, देखो आयनिक डिफेक्ट होती क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के या कोई भी आयन सॉलिड, आयनिक सॉलिड की खास बात क्या होती है कि वो कंडक्टर होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत की चालकता बताने के लिए, चालकता के लिए किसी भी क्रिस्टल में त्रुटियां का होना जरूरी है, त्रुटियों का होना क्या होता है, जरूरी होता है किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है ना, किसी भी क्रिस्टल में त्रुटियों का होना जरूरी होता है। तो यहां पर आयनिक डिफेक्ट किस तरह से कि कोई भी आयन है, उस आयन में कितनी तरह की त्रुटियां हो सकती है, कितनी तरह की डिफेक्ट हो सकती है, उनको अपने को डिस्कस करना है। देखो बात करेंगे अपन आयनिक डिफेक्ट की, कितनी तरह की, सबसे पहले कितनी तरह की आयनिक त्रुटियां हो सकती हैं, आयनिक डिफेक्ट हो सकती हैं, दो तरह की होती है बेसिकली, पहली है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरी है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरी क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो फिर से आगे फर्दर डिवाइड करेंगे इनको, तो दो टाइप की हो सकती है, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है वो फिर दो टाइप की हो सकती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरी है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरी है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो थोड़ा हिंदी में और इनका मीनिंग बता देता हूं मैं, और ये किस तरह से होती हैं उनकी बात तो अपन बाद में करें, लेकिन थोड़ा सा वो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए अपने को।
इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय और इसको बोलते हैं अरस समीकरण मितीय। समीकरण मितीय इसका नाम क्या होगा? वही फ्रेंकल होगा, इसका शोटकी होगा, इसका नाम फ्रेंकल होगा और इसका नाम वही क्या होगा? शोटकी। इसका होगा मेटलक्सिस का मतलब होता है धातु आधिक्य त्रुटि, धातु डिफेक्ट त्रुटि होती है, ये धातु आधिक्य के कारण होती है और ये अधातु की अधिकता के कारण होती है, तो अधातु आधिक्य त्रुटि। स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री में क्या फर्क है वो अपन फर्क बता पाएंगे, उस फर्क को अपन आइसोलेट कर पाएंगे, तभी अपन क्या बता पाएंगे, इन डिफेक्ट की बात कर पाएंगे। देखो अपन पहले स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए, इसकी जो अपने पास में मीनिंग है, इस शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो अपने को पता होनी चाहिए, वो अपने को जानकारी में होना चाहिए। देखो क्या है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अपन कह सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, एक सिंपल आप मानो, एक साधारण भाषा में समझो इसको कि फॉर्मूला है, जैसे मान लो NaCl, अगर मान लो जितने Na है उतने ही Cl है, जितने Na है उतने ही Cl है किसी क्रिस्टल लेटिस में, तो उसका फॉर्मूला बराबर है, धनाइन और ऋणाइन का अनुपात बराबर बना रहता है। अगर मान लो इसके फॉर्मूले में जरा सा भी डेविएशन हो, विचलन हो, कि मान लो Na तो एक है लेकिन Cl दो हो गए, तो ये हो गया NaCl2। क्या हो गया? NaCl2, एक तो Na हो गया और दो क्या हो गए? Cl, तो इसका अनुपात विचलित हो गया और ये इतना उदासीन भी नहीं रह पाएगा। तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात मेंटेन रहता है या फॉर्मूला मेंटेन रहता है, NaCl2 कभी बनता है क्या? नहीं बनता, अपने इस ब्लॉक में पढ़ गए है ना। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात अगर मेंटेन रहता है तो उसको अपन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, कि ऐसी त्रुटि जिससे मान लो क्रिस्टल लेटिस से कोई आयन निकल रहा है, लेकिन आयन के निकलने से पूरे क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे क्रिस्टल जालक है वो उदासीन ही बना रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो उदासीन तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज है धनायन और ये ऋणायन है, ये मास में इक्वल होने चाहिए। मास में इक्वल होने का मतलब जितने ये है उतने ये, मास नंबर तो इक्वल नहीं हो सकता, विपरीत है। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे 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 अपन बढ़ेंगे इसको अपन बताते जाएंगे। इस प्रकार की आयनिक त्रुटियों में, इस प्रकार की आयनिक त्रुटियों में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात, इस प्रकार की आयनिक त्रुटियों में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात समान रहता है, अर्थात स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है, स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है। अब ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो प्रकार की होती है ना। पहली डिफेक्ट होती है शोटकी डिफेक्ट, शोटकी त्रुटि। इस
शॉर्ट की त्रुटि का क्या मीनिंग होता है? देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की त्रुटि का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब मीनिंग ये होता है कि मान लो अपने पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है, जैसे मैं क्रिस्टल बनाता हूँ, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। इस आयनिक क्रिस्टल में क्या है, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, ऋणायन धनायन 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 ऋणायन धनायन ऋणायन और धनायन। इस तरह से पूरे क्रिस्टल जालक में ये फैले रहेंगे, धनायन और ऋणायन। अगर मान लो ये क्रिस्टल जालक से एक साथ निकलते हैं, कि यहाँ पर एक धनायन निकल गया यहाँ से और एक ऋणायन कहीं से भी निकल सकता है वो ऋणायन, तो भी बताओ यहाँ पर धनायन की संख्या देखो कितने, 1 2 3 4 5, ऋणायन की देखो 1 2 3 4 5। इसका मतलब शॉर्ट की त्रुटि में त्रुटि तो जरूर होगी, त्रुटि जरूर होने का मतलब है कि ये जो आयन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर जाएंगे, है ना। इस वजह से त्रुटि, खाली जगह उत्पन्न हो गई, यहाँ पर त्रुटि हुई है। लेकिन ये त्रुटि क्या हुई है, धनायन और ऋणायन के एक साथ क्रिस्टल जालक के बाहर निकलने से हुई है। इसका मतलब किसी तरह का कोई स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई, अब भी जितने आयने थे उतने सीएल है, कम जरूर हुए हैं लेकिन अमाउंट में कोई फर्क नहीं आया है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, धनायन तथा ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक को छोड़कर, इस प्रकार की त्रुटि में धनायन तथा ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक को छोड़कर एक साथ बाहर जाते हैं। क्रिस्टल जालक में एक साथ करते हैं। एक चीज ये भी कह सकता हूं मैं कि ये क्रिस्टल जालक में जरूरी नहीं है दो लगातार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकले, ये कहीं से भी निकल सकते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि क्रिस्टल जालक में कहीं भी हो सकती है। तो क्या बोलेंगे, इस प्रकार की त्रुटि पूरे क्रिस्टल जालक में, इस प्रकार की त्रुटि पूरे क्रिस्टल जालक में कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। इस प्रकार की त्रुटि पूरे क्रिस्टल जालक में कहीं पर भी हो सकती है। और ये पाई कहाँ जाती है, कि इस प्रकार की त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है, इस प्रकार की त्रुटि उन क्रिस्टल यौगिकों में पाई जाती है इस प्रकार की त्रुटि उन क्रिस्टल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन
धनायन तथा ऋणायन का आकार समान बना रहता है, जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान बना रहता है, आकार समान बना रहता है। धनायन तथा ऋणायन का आकार समान बना रहता है। एग्जाम्पल, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, NaCl, KCl, एटसेट्रा। अब एक चीज यहां देख ध्यान देंगे अपन, क्या कि इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो, जितने पहले Na और Cl थे उतने अब हैं, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार के क्रिस्टल यौगिकों, इस प्रकार के क्रिस्टल यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन की, इस प्रकार के क्रिस्टल यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन की संख्या में बराबर कमी से क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यह हो गया, यह शॉर्ट की एक सेकंड, एक सेकंड, अपने क्या कहा, नहीं 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 मास तो घटाई है ना, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्रिस्टल घनत्व में, डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा, घनत्व में परिवर्तन होता है, मास डिक्रीज होता है, अपने क्या लिख दिया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो अपने पास में था, संख्या में अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले 6 सोडियम थे, 6 क्लोराइड, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो 6 में से 5 ही हो गए, तो इसका मतलब मास डिक्रीज हुआ है, जिनमें क्रिस्टल घनत्व का मास का घनत्व घटता है, का घनत्व घटता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।